दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये एक पॉलिटिकल पैम्पलेट है जिसको लिखा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर के जनवरी 1848 में और फरवरी 1848 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों माना जाता है ये पॉलिटिकल पैम्पलेट वर्ल्ड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, मतलब कि इसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लिखने के लिए कम्युनिस्ट लीग ने इन दोनों बंदों को पेमेंट किया था, एक तरह से कमीशन दिया था। दोस्तों इसके अंदर कैपिटलिज्म की जम के बुराई की गई है, क्लास स्ट्रगल को दिखाया गया है। मार्क्सिज्म को समझने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जितना अच्छा हो सकता है मैं इसको समझाऊंगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे पूछा था कि मार्क्सिज्म पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया था। तो दोस्तों आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। इन दोनों ने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को इस दुनिया में लाया था। ये दोनों जर्मन फिलोसोफर्स थे। कार्ल मार्क्स के फादर चाहते थे कि एक फिलोसोफर बनने की बजाय एक लॉयर बने। मार्क्स को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी जॉर्ज हीगल से। जॉर्ज हीगल दोस्तों एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, अगर आप पॉलिटिकल के भी स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा जॉर्ज हीगल के बारे में। उससे सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स को इंस्पिरेशन मिली थी। कार्ल मार्क्स का स्वभाव कुछ ऐसा था कि इनको हर जगह से निकाला गया, मतलब हर देश से निकाला गया इनको। ये अपनी वाइफ के साथ में जब फ्रांस पहुंचे तो यहीं फ्रांस में पेरिस में इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। ये साल चल रहा था 1844। ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए और साथ में इन लोगों ने कोलैब किया। फिर फ्रांस से भी कार्ल मार्क्स को निकाल दिया गया। फिर ये बेल्जियम आ गए और यहाँ आकर के इन लोगों ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, जिसमें भर भर के कैपिटलिज्म की बुराइयाँ थी। कार्ल मार्क्स अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से नफरत करते थे तो वो थी कैपिटलिज्म। फिर साल 1848 में कम्युनिस्ट लीग ने इन दोनों को पैसे दिए, कमीशन दिया कि तुम दोनों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखो। इसके बाद जो इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा वो इतना फेमस हो गया, मतलब इतना पॉलिटिकल साइंस का इन्फ्लुएंशियल वर्क बन गया कि बहुत सारे देशों को इसने प्रभावित किया, बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया। मार्क्स के वर्क्स को फ्रेडरिक एंगल्स ने ही फंड किया था। इसके अलावा एक और फेमस वर्क है कार्ल मार्क्स का, दास कैपिटल। इसका नाम याद रखना, बहुत ही फेमस वर्क में से एक है कार्ल मार्क्स का ये। इसके बाद साल 1883 में कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई, लेकिन दोस्तों इनका ये वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 200 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश हुआ है। अब दोस्तों ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, अब हम लोग हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने किया क्या था? कार्ल मार्क्स ने दुनिया को कम्युनिज्म के बारे में बताया। कम्युनिज्म को हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। कम्युनिज्म के आने से पहले दुनिया में दो टाइप की थ्योरीज चलती थी, पहली कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, दूसरी सोशलिज्म यानी समाजवाद। सिंपली अगर मैं बताऊं तो इन दोनों थ्योरीज में दुनिया को यह बताया गया कि एक आदमी को कितना पैसा कमाना चाहिए। ये कैपिटलिज्म तो बोलता है कि जितना कमाना है कमाओ, कोई रोक टोक नहीं है, बस सरकार को टैक्स देते रहो। जबकि सोशलिज्म बोलता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, कोई भी कितना भी कमाए सरकार का ये फर्ज बनता है कि उसे लोगों में बराबर बांट दे, जिससे कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, अमीर गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, खुश रहेंगे। अब आप इन दोनों विचारधाराओं को अगर पहली बार सुन रहे हो, वैसे तो कई लोगों ने सुन रखा होगा पहले, अगर पहली बार सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये सोशलिज्म वाली विचारधारा ज़्यादा पसंद आएगी कि अगर सब बराबर हो जाएंगे तो गरीब अमीर की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव चीज़ और होगी जो बहुत ही गलत होगी कि मार्केट से कंपटीशन भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब फिर सबको लगेगा कि हम कितनी भी मेहनत कर लें मिलेगा तो सबको बराबर, कोई ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा, अपने फ़ायदे के लिए मेहनत क्यों करेगा जब सबको बराबर ही मिलना है तो। और हो सकता है कि लोग निकम्मे भी हो जाए, काम ही ना करें, क्योंकि मिलना तो सबको बराबर ही है, मेहनत करो चाहे मत करो। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया तो देश की डेवलपमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कैपिटलिज्म की माने तो वो कहता है कि कितना भी कमाओ कोई रोक टोक नहीं है, इसका मतलब एक आदमी कितना भी पैसा जमा कर सकता है अपने पास में, मतलब मार्केट का अगर सारा पैसा एक ही आदमी के पास चला जाएगा तो बाकी सब गरीब हो जाएंगे। तो इसमें भी कमियां हैं, इस विचारधारा में भी कमियां हैं और सोशलिज्म में भी कमियां हैं। तो पूरी तरह से ना तो कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है ना सोशलिस्ट। कार्ल मार्क्स के आने से पहले पूरी दुनिया के देशों ने या तो कैपिटलिज्म को अपना रखा था या फिर सोशलिज्म को, और ऑब्वियसली जिन देशों ने कैपिटलिज्म को अपना रखा था वो देश सोशलिज्म वाले देशों से आगे थे, क्योंकि सोशलिज्म एक बिना सर पैर वाली विचारधारा थी जिसमें फायदे कम और नुकसान ज़्यादा थे।
इस आइडियोलॉजी में चेंज की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर चेंज आएगा इस आइडियोलॉजी में तभी जाकर के ये विचारधारा आगे बढ़ेगी। तो अब ये चेंज लाया इन दोनों बंदों ने, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, खास करके कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने सोशलिज्म में साइंस मिला दी, यानी सोशलिज्म प्लस साइंस इज इक्वल टू कम्युनिज्म, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स से पहले भी बहुत सारे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन क्लियरली दुनिया को नहीं बता सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। जबकि मार्क्स ने फैक्ट्स बताए, तर्क दिए कि रीडर्स को उसकी बात समझ में आए। मार्क्स ने जम के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कैपिटलिज्म की बुराइयां की है। मार्क्स बोलता है कि एक आदमी जितना भी अपने शरीर से मेहनत करता है, उसको चाहे पत्थर उठाता है, कुछ भी करता है, उसको उसके शरीर की मेहनत का ही मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो थोड़ा सा दिमाग चला लेता है, अपने काम के लिए कुछ मजदूरों को अपने पास रख लेता है, और वो जो शरीर की मेहनत करते हैं, वो मजदूर अपने शरीर की मेहनत करते हैं, उसमें से जो बनता है प्रॉफिट इसका, उसमें से काफ़ी सारा मोटा हिस्सा ये अपने पास रख लेता है और थोड़ा सा कुछ परसेंट उनको दे देता है, जैसे फैक्ट्री के मालिक अपने मजदूरों के साथ में करते हैं। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट कितने का भी मार्केट में बिक रहा हो, फैक्ट्री के मजदूरों को तो उतना ही मिलेगा जितनी उन्होंने मेहनत की है। वो जो प्रॉफिट मिलता है उसका हिस्सा ये मालिक उन मजदूरों में नहीं बांटेगा, बल्कि अपने पास रखेगा। ऐसे ही कुछ बुद्धिमान लोग दिमाग चला करके मजदूरों का हक मारते हैं और दुनिया पर राज करते हैं, तो मार्क्स के हिसाब से ये गलत है। अब प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर उन पैसे वालों से कहा जाए कि क्या तुमको दुख नहीं होता कि किसी के पास तो खाने को रोटी नहीं है और तुम यहाँ पर जमा किए जा रहे हो, किसके लिए, ये पैसा मजदूरों में बांट दो, तो क्या वो बराबर बांटेंगे मजदूरों में ये पैसा? नहीं, कभी नहीं बांटेंगे। तो मार्क्स बोलता है इनसे छीनना ही पड़ेगा। मजदूर चाहे किसी भी देश का हो, वो सारे मजदूर एक हो जाएं और अपने हक के लिए क्रांति कर दें, क्योंकि मजदूर चाहे किसी भी देश का हो, मजदूर मजदूर है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि सारे मजदूरों को एक होना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मार्क्स ने बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस दिए कि एक फैमिली आदमी क्यों बनाता है। फैमिली भी इन पैसे वालों ने बनाई है, मतलब शादी करना और बच्चे होना, ये वाली प्रथा किसने बनाई है? पैसे वालों ने। अब इसका तर्क क्या देता है मार्क्स, कि अगर कोई पैसे वाला मरता है तो जाता जाता अपना कमाया हुआ पैसा अपने बेटे को दे करके जाता है, ना कि वो पैसा लोगों में बराबर बांट के जाए। हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ चलती थी, पास्ट में एक चीज़ चलती थी, कई सारे लोगों का, कई सारे फिलोसोफर्स का मानना था कि दुनिया में दो ही टाइप के लोग रहते हैं, पहला शोषण करने वाले, दूसरे जिनका शोषण होता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी कि ये बताओ कि कौन शोषण करेगा और कौन किसका शोषण होगा। मतलब एक राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बात हम समझते हैं, लेकिन ये बताओ कि अगर किसी देश में राजा ही नहीं है तो किसको हक है शोषण करने का और किसका हक है शोषित होने का। तो इस चीज़ को सिंपल किया कैपिटलिज्म ने, क्लास को डिवाइड करके, कि जिसके पास वेल्थ और प्रॉपर्टी होगी वो राज करेगा, और इसके लिए वो चीज़ कमानी पड़ेगी, चाहे जैसे कमानी है वैसे कमाओ, जितनी कमाओगे उतनी तुम्हारे पास पावर आएगी। तो पब्लिक के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उनको कैपिटलिज्म को ही अपनाना पड़ा कि अगर कमाएंगे तो पावर होगी। फिर इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर मींस ऑफ प्रोडक्शन आया। मींस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे एक बेकरी है, एक बेकरी के अंदर बिस्किट और केक वगैरह बनते हैं, तो सामान बनाने के लिए कोई एक मालिक तो सब कुछ सामान नहीं बना सकता, उसको सामान को बनाने के लिए उसको कुछ नेचुरल रिसोर्सेस लगते हैं, कुछ मशीनरी लगती है, कुछ मजदूर लगते हैं, तब जाकर के कोई चीज़ बनती है। लेकिन सबकी अगर बराबर मेहनत लगी तो सबको बराबर पैसा क्यों नहीं? मतलब सामान बेचने से जो प्रॉफिट बनता है, पैसा बनता है, उसका मोटा हिस्सा तो बेकरी का मालिक ले जाता है, बाकी जो मशीन को तो चलो क्या देना है, लेकिन मजदूर को तो कुछ देंगे, मजदूर को कुछ परसेंट दे करके सेटिस्फाई कर दिया जाता है। जबकि मेहनत बेकरी के मालिक की नहीं थी, वो तो बैठे बैठे अपने हिस्से को खा गया। मेहनत शारीरिक मेहनत मजदूरों की लगी, और जो प्रॉफिट आया उसका मोटा हिस्सा इसके पास चला गया, जो अब इस बेकरी के मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर जितनी जमा करता जाएगा, ये उतना ही अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा, तो इसके पास पावर आती जाएगी, जिससे ये सोसाइटी पर डोमिनेंस कर सकता है। लेकिन एक अच्छाई ये है कैपिटलिज्म की कि इसके अंदर इकोनॉमी जो है वो कॉम्पिटिशन बेस्ड रहती है, मतलब इसमें कॉम्पिटिशन होता है, तो लोग नए नए इनोवेशन करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाने चाहते हैं लोग, कि नई नई चीज़ें बनाएं, मार्केट में लेकर के आएँ,
लोग उसको इस्तेमाल करें, लोगों को पसंद आ जाए और हमारी चीज़ चल जाए तो हमको ज़्यादा मुनाफा हो। तो पूरे वर्ल्ड के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना लो और अपने देश में विकास करो, अपने देश का विकास करो, गरीब अमीर का फ़र्क बढ़ने दो, या फिर सोशलिज्म को अपना करके सब कुछ बराबर कर दो, तुम्हारे देश में कोई इनोवेशन नहीं होंगे, तुम भले ही विकास में रुक जाओ लेकिन तुम्हारे देश में लोग हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मार्क्स यहाँ पे बोलता है कि मज़दूर फैक्ट्री के ऑनर के पास काम करके, अपने मालिक के पास काम करके अपनी कब्र खुद ही खोदता है। वो कहते हैं ना कि अपने लिए काम करो, नहीं तो कोई और तुम्हें खुद के लिए काम पर रखेगा। अब इस कैपिटलिज्म की भयानक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह वर्किंग क्लास जनता को पावर दे सकते हैं? तो कम्युनिज्म में बोला जाता है कि सबको बराबर कर दो, वेल्थ वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सब में बराबर बांट दो। और शासन करने की अगर बात है कि कौन डोमिनेंस करेगा, तो गरीब ही गरीब पर शासन करेगा, और इसको हम बोलेंगे प्रोलेटेरियट, यानी कि सर्वहारा वर्ग। लेकिन ये बात क्लियर नहीं की कार्ल मार्क्स ने कि कैसे मजदूर मजदूर पर शासन करेगा। अब क्रिटिक्स इन पर चढ़ ना जाएं, इसके लिए इन्होंने बोला कि हमारा सिर्फ यही मकसद है, हमारा और कम्युनिज्म का सिर्फ बस यही मकसद है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ ना हो, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है ऐसी कोई चीज़ ना हो, जो भी है सब सामाजिक है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मजदूरों पर तो किसी ना किसी ने पास्ट में भी राज किया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा टाइम आए जब मजदूर ही मजदूर पर राज करे, जिसको हम सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। पैसे वालों की सारी संपत्ति खत्म कर दी जाए, दूसरा फैमिली वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए कि अगर मैं मरूंगा तो मेरा कमाया हुआ मेरे बेटे को चला जाएगा। मार्क्स बोलता है कि नहीं, तुम्हारा अगर तुमने अपनी मेहनत करके कमाया, अपने मेहनत करके अपना शरीर का शारीरिक श्रम करके अगर वो तुमने वो चीज़ कमाई है तो तुम ही उसका यूज़ करोगे या फिर वो समाज में बढ़ जाएगा। तुम्हारे बेटे को अगर किसी चीज़ को एंजॉय करना होगा तो वो खुद कमाएगा। तो ये फैमिली सिस्टम ख़त्म करो। फिर ये बताते हैं कि कम्युनिज्म को लागू कैसे करना चाहिए। पहला तो इसमें इनकम टैक्स हो, फ्री एजुकेशन हो, तीसरा चाइल्ड लेबर नहीं हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि पैसे को एक जगह इकट्ठा किया जाए, ये पैसे का यूज समाज की भलाई में किया जाए, कुछ भी प्राइवेट हाथों में नहीं होना चाहिए, सरकार मजदूरों की होनी चाहिए और मजदूर सरकार ही देखेगी कि किसी के पास कोई ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण तो नहीं कर रहा। अच्छा, मान लिया लाख बुराइयां हैं कैपिटलिज्म में और लाख अच्छाइयां हैं तुम्हारे कम्युनिज्म में, तो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अमेरिका आज एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और चीन एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। तो एक टाइम ऐसा भी था जब चीन ने अपने देश के सारे दरवाजे बंद कर लिए थे कि हम तो कम्युनिज्म पर चलेंगे, अपने देश की भलाई के बारे में सोचेंगे, बाहर से किसी से भी विदेशी कंपनी को अंदर नहीं आने देंगे हमारे देश में, और हमारी कंपनी भी पैसा कमाने के लिए बाहर व्यापार करने नहीं जाएगी। हम चारों तरफ से अपने दरवाजे बंद कर लेंगे जिससे कंपटीशन ना बढ़े। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो सीधी सी बात है कैपिटलिज्म आएगा, तो कंपटीशन हम नहीं बढ़ने देंगे अपने देश में। वहीं अमेरिका में कैपिटलिज्म है तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन है, सीधी सी बात है, वहाँ पर नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, कॉम्पिटिशन आएगा तो इनोवेशन होगा, उन नई चीज़ों का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका की बनाई हुई नई नई चीज़ों का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अकेला चीन नहीं कर रहा। पूरी दुनिया मैसेंजर्स और फेसबुक पर जा रही है और चीन अभी भी कबूतर की चिट्ठी बांध करके भेज रहा है, तो इससे क्या तुम्हारी जनता खुश रहेगी? नहीं। इसलिए आज पूरी दुनिया जानती है कि चीन बस नाम मात्र के कम्युनिज्म पर टिका हुआ है। इसकी सारी इकोनॉमी जो है चीन की कैपिटलिज्म बेस्ड इकोनॉमी पर चलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स ने प्रैक्टिकली खुद कुछ नहीं किया था, इन्होंने बस अपना विचार रखा था दुनिया के सामने। बाकी लागू करने वाले इसको तीन बंदे थे, मुख्यतः तीन बंदे थे, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन तीन बड़े बड़े नाम हैं, व्लादिमिर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और तीसरे माओ त्से-तुंग, जिनको माओ ज़ेडोंग भी बोला जाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स अपने पैम्फलेट को ये बोल करके ख़त्म करते हैं कि कुछ भी कर लो, कैपिटलिज्म का ये स्वभाव है कि गरीब गरीब होगा ही और अमीर अमीर होगा ही। एक दिन ये खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि गरीब कैपिटलिज्म से परेशान हो जाएगा और इसको सारे गरीबों के साथ मिलकर के क्रांति करनी ही पड़ेगी। कैपिटलिज्म से लोगों को कम्युनिज्म पर आना ही पड़ेगा, कैसे भी आए लेकिन आना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक अमीर इतने अमीर हो चुके होंगे कि मांगने पर वो अपनी संपत्ति गरीबों को वापस नहीं करेंगे, तो अब गरीबों को छीनना पड़ेगा। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के मजदूर, सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, मिलकर क्रांति कर दो इन पैसे वालों के खिलाफ, लड़ाई करो इनसे,
क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारी चेने हैं बस। जिन चेनों में तुमको बांध कर रखा गया है वो चेने हैं, और जीतने के लिए तुम्हारे सामने पूरा संसार पड़ा है। वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ख़त्म होता है। अब मार्क्सिज्म अच्छा है या बुरा, ये आप लोग तय करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।